धान के लिए छत्तीसगढ़ के किसान को 3200 रुपए मिलेगा। यह निर्णय ले लिया गया है, यह कब हो गया है? 5 साल पहले मैंने ऐसे ही स्टेट से आपसे कहा कि छत्तीसगढ़ के किसान का कर्जा माफ होगा। नरेंद्र मोदी जी ने किसी स्टेट में या देश में किसान का कर्जा माफ नहीं किया है। अरबपतियों का उन्होंने 14 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ किया है, अदानी जैसे लोगों का। हमने 2 घंटे के अंदर कैबिनेट मीटिंग बैठी, बघेल जी आपको याद होगा मैंने आपसे कहा था पहला निर्णय चीफ मिनिस्टर का पहला सिग्नेचर किसान के कर्जा माफी की फाइल पर जाएगा और आपने अपना हस्ताक्षर उस फाइल पे किया और लाखों किसानों को फायदा हुआ, छत्तीसगढ़ का फायदा हुआ। और मैं फिर से स्टेट से कह रहा हूं, आपको फिर से सिग्नेचर करना पड़ेगा, फिर से कर्जा माफ करना पड़ेगा। बात वहां नहीं रुकी, हम किसान न्याय योजना लाए, 23,000 करोड़ रुपए, 26 लाख किसानों को फायदा मिला। तो आज छत्तीसगढ़ का किसान देश का सबसे मजबूत किसान है। कुछ दिन पहले चीफ मिनिस्टर और हम धान काटने गए, मैंने वहां किसान से सवाल पूछा, आपके खेत का दाम क्या है? पहली बार मैंने देखा किसान को अपने खेत का दाम ही नहीं मालूम। मैं हैरान हो गया, मैंने कहा, मैंने पूछा, भाई ये कैसे हो सकता है? पहली बार मैंने देखा है किसान को अपने खेत का दाम ही नहीं मालूम। किसान मुझे जवाब देता है, राहुल जी मैं इस खेत को कभी नहीं बेचूंगा, छत्तीसगढ़ की सरकार धान के लिए हमें 3,200 रुपए देने जा रही है, खेत कभी नहीं बिकेगा। आपने हमारा कर्जा माफ किया, पहले हम आत्महत्या की बात सोचते थे। उसी किसान ने मुझे बताया, राहुल जी सपने में भी मैंने नहीं सोचा कि मैं एक दिन गाड़ी खरीद लूंगा, राहुल जी मैंने गाड़ी खरीद ली। मजदूरों को हर साल 10,000 रुपए बैंक अकाउंट में सीधा कांग्रेस पार्टी देती है, क्योंकि हमने कहा कि अगर किसानों को पैसा दिया जा रहा है तो मजदूरों को भी पैसा दिया जाएगा। और आप जानते हो कि जो हमने कहा है हमने करके दिखाया है। चुनाव के बाद माताएं बहनें आई हैं, सिलेंडर पर आपका 500 रुपए सब्सिडी मिलेगी। और एक नई चीज निकाली है छत्तीसगढ़ की सरकार ने, ऐतिहासिक निर्णय लिया है, पहली बार हिंदुस्तान में केजी से लेकर पीजी तक, केजी से लेकर पीजी तक छत्तीसगढ़ में मुफ्त शिक्षा मिलेगी। जैसे कर्नाटक में हमारे चीफ मिनिस्टर ने कहा महिलाएं बस में टिकट नहीं खरीदेंगी, फ्री में जाएंगी, वैसे छत्तीसगढ़ में
हमने ऐतिहासिक निर्णय लिया है, छत्तीसगढ़ में केजी से लेकर पीजी तक मुफ्त में शिक्षा मिलेगी। अब आप सोचिए, एक तरफ बीजेपी स्कूलों को प्राइवेटाइज करती जाती, कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटीज को, अस्पतालों को, बड़े बड़े उद्योगों को प्राइवेटाइज करती, दूसरी तरफ हम सरकारी स्कूल बनाते हैं, खोलते हैं और उसमें आपको फ्री में शिक्षा देने की बात कर रहे हैं। सोचिए कितना पैसा बचेगा, छत्तीसगढ़ के गरीब लोगों का कितना पैसा बचेगा, आदिवासी भाइयों के लिए गारंटी करके 4,000 रुपए हर बोरी के लिए तेंदू पत्ता के लिए, और इस बार हमने 4,000 से 6,000 बढ़ा दिया है और 4,000 रुपए आदिवासियों को हर साल बोनस मिलेगा। अब देखिए, मैं आया, मैंने आपसे कहा किसानों का कर्जा माफ होगा, कर्जा माफ हो गया। आपसे कहा था 2,500 रुपए की गारंटी है, आज कितना मिल रहा है? 2,800 मिल रहा है। आपको कहने की भी जरूरत नहीं पड़ी, हमने 2,800 कर दिया और कुछ ही समय में वो 3,200 हो जाएगा। आपको कहने की जरूरत नहीं, वो हो जाएगा। तो ये हमारी गारंटी है। मोदी जी कहते हैं मोदी जी की गारंटी, देखिए लोग हंस रहे हैं, ये देखिए लोग हंस रहे हैं। नहीं भाइयों बहनों, वो सच बोल रहे हैं। मोदी जी की गारंटी का मतलब अदानी की गारंटी। मोदी जी की गारंटी है जो अदानी जी चाहेंगे छत्तीसगढ़ में, जो भी वो करना चाहेंगे, किसानों की जो भी जमीन उनको चाहिए, जो भी खदान उनको चाहिए, जो भी स्टोरेज की फैसिलिटी उनको चाहिए, जो भी कोयला की खदान उनको चाहिए, मोदी जी की गारंटी है अदानी जी को वो दे देंगे। और ये सिर्फ भाइयों में छत्तीसगढ़ में नहीं है, ये पूरे देश में है। जहां भी मोदी जी की सरकार बनती है, मोदी जी अदानी जी की गारंटी करके चले जाते हैं, कहते हैं मेरी गारंटी है अदानी जी, जो भी आपको चाहिए नरेंद्र मोदी आपका मित्र आपके हवाले कर देगा। 15,000 रुपए सालाना छत्तीसगढ़ की सरकार हर बैंक अकाउंट में डालेगी। फिर से दोहरा देता हूं, 15,000 रुपए हर साल हर महिला के बैंक अकाउंट में कांग्रेस पार्टी की सरकार डालेगी।